तो हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में हिल रोड्स में स्पेशल प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स। तो स्पेशल प्रॉब्लम्स में सब फर्स्ट वन हमने डिस्कस किया लैंडस्लाइड्स के बारे में, और सेकंड वन हमारा जो स्पेशल प्रॉब्लम्स आती हैं हिल रोड्स के टाइम पे जब हम कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस वर्क करते हैं, तो ड्रेनेज इन हिल रोड्स, और थर्ड वन हमने डिस्कस किया था सोइल इरोजन के बारे में। तो सोइल इरोजन के बारे में हमने डिस्कस किया और उसके कुछ इफेक्ट्स के बारे में जाना। तो इफेक्ट्स, बहुत सारे इफेक्ट्स जो हमारे रोड पे, ज़्यादातर रोड्स की बात करें या हिल रोड्स की बात करें, तो बहुत सारी जो इफेक्ट्स आते हैं सोइल इरोजन की वजह से, ठीक है जी, वो हमने डिस्कस किए। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ द कंट्रोल सोइल इरोजन। तो कौन से मेथड है वो जिससे हम सोइल इरोजन को कंट्रोल कर सके, मिनिमाइज किया जा सके, और हमारे रोड की जो लाइफ स्पैन है उसको इंक्रीज किया जा सके, और जो ट्रैफिक है उसको सेफ मूवमेंट दी जा सके, और जो हमारी सोइल इरोजन की वजह से ब्लॉकेज हो जाती है हमारे रोड से उसको रिड्यूस किया जा सके, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ कंट्रोल सोइल इरोजन की। तो कौन कौन से मेथड्स हैं, जैसे हम हमारे जो रोड है जो सोइल इरोजन है उसको कंट्रोल किया जा सके बाय प्रोवाइडिंग टर्फ, ठीक है जी। तो सबसे फर्स्ट मेथड जो है बाय प्रोवाइडिंग टर्फ। तो टर्फ प्रोवाइडिंग से हम क्या कर सकते हैं, सोइल इरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, टर्फ क्या है, जो घास की एक हम परत लगा देते हैं, ठीक है जी। टर्फ का मतलब क्या है कि घास की परत, ठीक है, जो हम जो ग्रास है, ग्रास हम क्या करते हैं उगा दें, या नेचुरली भी बहुत सारे जो ग्रास हैं वो उग जाती हैं, ठीक है जी। तो टर्फ उसको है बाय प्रोवाइडिंग टर्फ, ठीक है जी। तो घास की परत हम अगर प्रोवाइड कर दें किसी सोयल यहाँ पे इरोजन होना चाहती है, तो वो इरोजन को हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं बहुत हद तक, ठीक है जी। तो बाय द सोयल मास इज प्रोटेक्टिव फ्रॉम इरोजन बाय प्रोवाइडिंग टर्फ ऑन द साइड स्लोप ऑफ एम्बैकमेंट्स, कट साइड ड्रेन्स एंड शोल्डर्स। तो हमारे जो रोड रहते हैं हिल रोड है, उसके साइड स्लोप्स हैं, जहाँ हमारा बात करें एम्बैकमेंट्स हैं और कट्स प्रोवाइड करते हैं, और हम जो हमारे शोल्डर प्रोवाइड करते हैं रोड में, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिस टर्फ्स प्रोवाइड कर सकते हैं। तो टर्फ प्रोवाइड करेंगे तो इससे क्या होगा, बहुत सारी जो सोइल इरोजन को हम मिनिमाइज बहुत हद तक कर सकते हैं, ठीक है जी। तो क्या रहता है, अगर हम बात करें टर्फिंग की, द मेन मैटिंग ऑफ लैंड सरफेस, क्या होता है टर्फ इसके बारे में जानते हैं, द मैटिंग ऑफ लैंड सरफेस, द मैटिंग ऑफ लैंड सरफेस विद द रूट्स ऑफ ग्रास, विद द रूट्स ऑफ ग्रास, with the roots of grass is termed as turfing, is termed as turfing, ठीक है जी। तो turfing एक method है जिससे हम soil erosion को control कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जो it also reduce dust nuisance of the road sides and increase physical appearance of the road। तो अगर हम जो turfing की help से, एक तो हमारा सोइल इरोजन में मिनिम हम कंट्रोल कर सकते हैं सोइल इरोजन को, और दूसरा क्या होता है, इससे क्या होता है, जो हमारे डस्ट न्यूसेंस की को भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक रिड्यूस किया जा सकता है, और जो अपीयरेंस है, जो व्यू है रोड का, वो भी बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है जी। बहुत सारे कारण रहते हैं अगर हम टर्फिंग करते हैं तो, ठीक है जी। और सेकेंड अगर मेथड की बात करते हैं, तो सेकेंड मेथड क्या है, अगर सोइल इरोजन को हम कंट्रोल करना चाहते हैं, तो बाय टॉप सोइलिंग, बाय टॉप सोइलिंग। अगर हम जो टॉप है उस पे सोइलिंग करते हैं, तो इसकी वजह से भी क्या होगा, टॉप सोइलिंग इज मेथड ऑफ प्लेसिंग और कवरिंग द सरफेस ऑफ सोइल विद अनदर मटेरियल कंटेनिंग डोरमेंट सीड, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट फूड एटसेट्रा बिफोर टॉप सोइल इज प्लेस्ड ऑन द स्टीप स्लोप्स, द अंडरलाइंग मटेरियल शुड बी हार्डन्ड और रफ properly. This method to control soil erosion is costly and is unsatisfactory in region where rainfall is heavy. तो by top soiling भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे जो soil erosion को control कर सकते हैं। इससे होगा क्या,
जो हमारा इस मेथड में सोइलिंग प्लेस की जाती है, जो एक जो हमारा रोड सरफेस है तो उस पर कवर किया जाता है, एक स्पेशल टाइप की सोइलिंग करते हैं, क्योंकि उसमें अगर अगर कोई अदर मटेरियल हम प्रोवाइड करें, सोइल ही प्रोवाइड करें, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, कवरिंग करते हैं पूरे सरफेस की, तो एक प्रॉपर वे में, ठीक है जी। उससे क्या होगा, जो हमारे जैसे अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या प्लांट फूड हैं, ये सारे के सारे उसमें सोइल में उसमें कंटेन होंगे, क्योंकि उसकी अगर हम बात करें क्ले सोइल, तो क्ले में बहुत सारी जो एडिशन प्रॉपर्टीज रहती हैं, ओके। तो उसकी वजह से क्या होगा, हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं और प्रॉपर कंपैक्शन से हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो ठीक है जी, कवरिंग प्रोवाइड करते हैं या प्लेसिंग करते हैं हमारे सोइल की टॉप सरफेस पे। तो इससे अगर हम इस तरह के अगर मेथड यूज करते हैं, अगर वहाँ पे कोई ऐसा एरिया है हैवी रेनफॉल एरिया, तो वहाँ पे ऐसी जो मेथड है नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि हैवी रेनफॉल एरिया में इरोज हो जाएगी, ठीक है जी। तो ऐसा नहीं हो सकता अगर हम सेकंड मेथड को किसी हैवी रेनफॉल एरियाज में अप्लाई करते हैं। अगर थर्ड वन मेथड की बात करें, तो थर्ड वन अगर जो हम सोइल इरोजन को कंट्रोल करना चाहते हैं बाय प्रोवाइडिंग ग्राउंड कवर, ग्राउंड कवर प्रोवाइड करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे सोइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, द अल्टरनेटिव मेथड टू कंट्रोल सोइल इरोजन बाय वाटर एंड विंड इज प्रोवाइडिंग अ ग्राउंड कवर टू द स्लोप्स एंड अदर रोड साइड्स एरिया बाय ग्रोइंग लो हर्बेशियस और वुडी प्लांट और शर्ब्स। तो ग्राउंड कवर्स को प्रोवाइड करने के लिए, तो जो हमारे साइड स्लोप्स रहते हैं, जहाँ हमारे एम्बैकमेंट्स हैं, जहाँ हम बात करते हैं कट्स की, जहाँ हमारे रहते हैं शोल्डर्स रहते हैं रोड पे, तो इनमें क्या कर सकते हैं, हम श्रब्स या वुडी प्लांट हम प्लांटेशन कर सकते हैं, वहाँ पे उगा सकते हैं। तो इससे क्या होगा, बहुत हद तक हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल किया जा सकता है हमारे सोइल इरोजन को। द हाइट ऑफ दीज प्लांट्स और श्रब्स शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर। तो ये श्रब्स और जो प्लांटेशन करेंगे हम इस पे, जो हमारे वुडी प्लांट्स रहेंगे उसकी अगर प्लांटेशन करते हैं, तो 1 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट नहीं रहनी चाहिए, ठीक है जी। इस 1 मीटर से ज़्यादा होंगे तो इसमें क्या होगी, जो हमारी ट्रैफिक मूवमेंट है उसमें दिक्कतें आ सकती है, ठीक है। प्रॉपरली सिलेक्टेड प्लांट विल बी प्रिवेंट हेडलाइट ग्लेयर ड्यूरिंग नाइट एंड देयर लो हाइट वुड नॉट अफेक्ट साइट डिस्टेंस, क्योंकि साइट डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइट डिस्टेंस रहते हैं, स्टॉपिंग साइट डिस्टेंस होते हैं, तो वो उनको देखते हुए ही हम एक जो प्लांटेशन करते हैं वो हमें करनी चाहिए। तो इससे भी हम अगर ग्राउंड कवर की अगर कवर करते हैं, ग्राउंडिंग कवर करते हैं, तो इसलिए भी हम क्या कर सकते हैं, सोइल इरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ओके। और क्या मेथड रहेंगे, अगर हम बात करें मल्चिंग की, तो मल्चिंग एक बहुत मेथड रहेगा जो प्रोवाइड करते हैं फॉर कंट्रोल द सोइल इरोजन। फोर्थ वन क्या रहेगा, मल्चिंग। तो मल्चिंग मेथड है जो हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द सोइल इरोजन, ठीक है जी। तो मल्चिंग मेथड कहते हैं, इट इज आल्सो अ हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट सोइल इरोजन। वो हाईली रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, एक मेथड है जो हम यूज करते हैं फॉर कंट्रोलिंग द सोइल इरोजन। मल्चिंग इज ए मेथड इन विच स्ट्रॉ, ग्रासी मैटर, रोड साइज कटिंग और लोकली अवेलेबल मटीरियल लाइक पाइप ब्रांचेस, फॉलिंग लीव्स, सॉडस्ट एक्सेट्रा आर स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द सोइल सरफेस, ऑफन बाय पासिंग देम थ्रू अ स्पेशल ब्लोअर। मल्चिंग रिटार्ड्स वॉशिंग ऑफ सोइल, बाइंड्स द सोइल पार्टिकल्स टुगेदर, होल्ड्स मॉइस्चर बिटवीन रेन्स एंड प्रोवाइड अ फेवरेबल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ नेटिव प्लांट्स। तो क्या होगा, अगर हम मल्चिंग की बात करते हैं, तो मल्चिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे, जैसे हम बात करते हैं पाइप ब्रांचेस की, जो हमारे क्या होते हैं पाइन ब्रांचेस रहती हैं, जहाँ हम बात करते हैं जो स्ट्रॉ रहती हैं और जो पत्ते गिर जाते हैं पेड़ से, फॉलिंग लीव्स होती हैं या डस्ट होती है, तो उसको क्या करते हैं, हम स्प्रेड करते हैं हमारे जो रोड सरफेस रहेगा। तो उस सरफेस में अगर हम अर्दन रोड्स की बात करें, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रोड है उसको प्रॉपरली स्प्रेडिंग के करने के बाद हम उसको एक सुटेबल ब्लोअर की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसको कॉम्पैक्ट करवाएंगे। तो कॉम्पैक्ट करने से क्या होगा, अगर वहाँ पे रेनफॉल होती है तो उससे क्या होगा, जो हमारी रेन है वो प्रोकलेट नहीं कर पाएगी, जो वाटर है वो प्रोकलेट नहीं कर पाएगा,
तो इससे भी क्या किया जा सकता है, मल्चिंग प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत हद तक सोइल इरोजन को कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, तो ये हमारे थे मेथड्स ऑफ कंट्रोल सोइल इरोजन। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट वन बात करें तो हमारे जो स्नो भी एक स्पेशल प्रॉब्लम है जो हिल रोड्स के केस में हमारे रोड्स के लिए प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है जी, तो क्या रहेगी ये हमारा जो रोड है उसके लिए, फोर्थ वन अगर हम बात करें स्नो क्लियरेंस की, स्नो के केस में अगर देखें तो स्नो की वजह से भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में जो हमारे हिल रोड्स हैं तो उसमें स्नो की वजह से बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हो जाती है। ठीक है जी, तो वो ब्लॉकेज होने की वजह से जो मूवमेंट है ट्रैफिक की वो सेफ नहीं रहती है। तो सेफ मूवमेंट के लिए जो हमारा स्नो है, ठीक है जी, इसको मिनिमाइज करना जरूरी रहता है, स्नो क्लियरेंस बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो हम बात करते हैं फोर्थ वन जो मेजर प्रॉब्लम रहती है हिल रोड्स की रिगार्डिंग स्नो क्लियरेंस की। ठीक है जी, स्नो क्लियरेंस, स्नो क्लियरेंस। ओके, स्नो रिमूवल और स्नो क्लियरेंस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हिल रोड्स इन विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में हमारे जो स्नो की प्रॉब्लम्स आती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है हिल रोड्स में, अगर हम बेसिकली बात करें तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है ट्रैफिक को और जो मूवमेंट रहती है ट्रैफिक की। तो और जो हमारा अगर बात करें तो जो रोड है उसकी लाइफ स्पैन पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो जो हमारी द स्नो रिमूवल और स्नो क्लियरेंस, स्नो रिमूवल एंड स्नो क्लियरेंस एंड स्नो क्लियरेंस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ हिल रोड्स इन विंटर सीजन, इन विंटर सीजन। ठीक है, तो विंटर मौसम में जो सर्दी के मौसम में क्या होती है, स्नो रिमूवल और स्नो क्लियरेंस जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है हमारे हिल रोड्स के लिए। ठीक है जी, द स्नो फॉलिंग इन द कोल्ड हिली रीजन एक्युमुलेट द लार्ज अमाउंट एंड इट्स कंपैक्शन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स मे बी हायर 6 मीटर इन द हिमालयन रीजन। तो 6 मीटर तक इसका जो कंपैक्शन है वो रहता है अगर हिमालयन रीजन की बात करें। ओके, तो द फ्रेश स्नो इज द फाइन फ्लेक्सी एंड सॉफ्ट मटेरियल व्हिच ऑन द कंपैक्शन फॉर्म अ क्लियर ग्लेसी हार्ड आइस बिकॉज ऑफ द स्नो एक्युमुलेशन मोस्ट ऑफ द हिल रोड्स सूटेड एट High altitude are close to traffic movement during winters. तो traffic movements में बहुत ज़्यादा effects डालने वाली जो snow की problems रहती हैं hill roads में, तो ये ज़्यादातर 6 meter की compaction पे रहती हैं। तो ज़्यादातर जो हिमालय region है जहाँ पे ज़्यादा क्या रहती हैं हिमालय रहते हैं तो वहाँ पे हम इस तरह की problems create होती हैं। ठीक है जी, इसको effects की बात करें तो effects क्या रहेंगे, effects of the snow clearance, effects of the snow clearance, the snow removal, क्या effects होंगे snow clearance के? तो snow clearance के बहुत सारे effects रहते हैं। अगर हम बात करें blasting by explosives, snow cutting by machines, तो हम ब्लास्टिंग करते हैं, अगर स्नो अगर बहुत हार्ड स्नो आइस की बात करें तो आइस आती है तो उसकी वजह से हम ब्लास्टिंग भी करना पड़ता है स्नो क्लियरेंस को हटाने के लिए स्नो को, और मशीनरी भी यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें मैनुअली भी हम रिमूव करते हैं स्नो को। ठीक है जी, इसको मैनुअल लेबर की हेल्प से। ठीक है जी, ये हमारे क्या है इफेक्ट्स आते हैं इस इफेक्ट मेथड ऑफ स्नो क्लियरेंस। तो इफेक्टिव मेथड्स ऑफ स्नो क्लियरेंस, सॉरी मैं टॉप के इफेक्टिव मेथड्स ऑफ मेथड क्या यूज करेंगे,
मेथड्स क्या यूज करते हैं हम, अगर बात करें ब्लास्टिंग की हेल्प से भी हम आइस को क्या करते हैं रिमूव करना चाहेंगे, अगर ज्यादातर जहाँ पे आइस की प्रॉब्लम्स आती है, स्नो की प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है जी। ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स, ब्लास्टिंग बाय एक्सप्लोजिव्स और मशीनरी की हेल्प से भी हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं, क्लियरेंस करते हैं स्नो की, स्नो कटिंग बाय मशीन्स, स्नो कटिंग बाय मशीन्स और मैन्युअली लेबर की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, ये भी मेथड है, तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं स्नो क्लियरेंस कर सकते हैं, स्नो को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द हिल रोड्स, मैन्युअल रिमूवल ऑफ स्नो, मैन्युअल रिमूवल ऑफ स्नो, ठीक है जी। मैन्युअली हम क्या कर सकते हैं लेबर की हेल्प से स्नो को रिमूव करवा सकते हैं, क्योंकि तीन मेथड से हम क्या कर सकते हैं स्नो को रिमूव कर सकते हैं। स्नो अवलेंचेस एंड देयर कंट्रोल, तो स्नो अवलेंचेस क्या होती हैं इसके बारे में जान लेते हैं और ये इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है इसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है जी। जो हमारे स्नो अवलेंचेस आती हैं तो क्या होती है ये स्नो अवलेंचेस और इसको कंट्रोल कैसे करें इसके बारे में भी जानते हैं। Construction of snow
स्नो अवलैंचेस को से हमारे रोड को बचा सकते हैं। जो हमारा स्नो फैंसी आल्सो ऑफर्ड एन इफेक्टिव एंड इकोनॉमिक मींस ऑफ कंट्रोलिंग स्नो अवलैंचेस। दीज कंसिस्ट ऑफ वुडन पिक्स अबाउट 1.25 मीटर लॉन्ग वोवन विद गैल्वेनाइज्ड वायर लोकेटेड ऑन द विंडवर्ड साइड एट राइट एंगल टू द प्रिवेलिंग विंड। तो एक 1.25 मीटर लॉन्ग हम इसमें वोवन प्रोवाइड करते हैं, 1.25 मीटर लॉन्ग वोवन प्रोवाइड की जाती है, जिस डायरेक्शन में हमारी विंडवर्ड्स रहती है उसी डायरेक्शंस में हम क्या करते हैं ये प्रोवाइड करते हैं, वोवन विद गैल्वेनाइज्ड वायर, विद गैल्वेनाइज्ड वायर। तो गैल्वेनाइज्ड वायर प्रोवाइड की जाती है और ये विंडवर्ड साइड राइट एंगल होती है, जो प्रिवेलिंग विंड है उसके हमारा जो राइट एंगल पे हम प्रोवाइड करते हैं स्नो फेंसेस को, ताकि जो हमारा स्नो अवलैंचेस है उसको उससे बचा जा सके, हमारे रोड्स को बचाया जा सके। ठीक है जी, तो ये एक इफेक्टिव मेथड है फॉर मिनिमाइजिंग द स्नो अवलैंचेस। उसके बाद हम बात करते हैं और मेथड क्या आता है जब हम स्नो अवलैंचेस को कंट्रोल करना चाहते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव्स, एप्लीकेशन ऑफ एब्रेसिव्स। ठीक है जी, तो इससे क्या होगा, एप्लीकेशन एब्रेसिव्स की एप्लीकेशन की वजह से आइस फॉर्मिंग ऑन द रोडवे और लार्ज स्केल और एब्रेसिव्स रिड्यूस द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड सरफेस ऑफ द मेक प्रॉपर कंट्रोल ऑफ द व्हीकल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ऑन द रोड। जब स्नो अवलैंचेस की वजह से क्या होगा, जब रोड पे स्नो आ जाती है तो उससे क्या होगा, जो हमारा रोड है और जो टायर है उनमें स्लिपिंग प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि टायर जो है उसमें जो रोड है उसके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाता है, बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाता है। ठीक है जी, कम होने की वजह से जो हमारी जब कोई व्हीकल है वो क्या कर जाता है, रिमूव कर जाएगा, परे हट जाएगा रोड से। ठीक है जी, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है टायर और सरफेस के बीच में, जो रोड सरफेस है अगर इन रोड की बात करें तो, इसको मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही डेंजर है अगर बात करें तो एब्रेसिव जो इसकी ब्रेजर है उसकी जो पकड़ है वो होनी चाहिए। तो इसे बचने के लिए हमें क्या है, एब्रेसिव अप्लाई करनी पड़ती है रोड पे, स्ट्रीट पे, क्योंकि स्नोफॉल अगर जहाँ पे मैक्सिमम होती है वहाँ पे इस तरह की हम प्रोवाइड करते हैं। तो एब्रेसिव प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, बहुत सारी जो द कॉमन एब्रेसिव यूज एज क्लीन शार्प सैंड सिंडर्स और वॉश्ड स्टोन स्क्रीनिंग ट्रीटेड विद कैल्शियम एंड सोडियम क्लोराइड। तो हमारे पास सैंड है, सिंडर्स हैं, वॉश्ड स्टोन होते हैं, तो इनको हम प्रिपेयर करते हैं, ट्रीटेड करते हैं कैल्शियम और सोडियम क्लोराइड के साथ, वो हम क्या करते हैं रोड पे इसकी सरफेसिंग करते हैं। द साल्ट सॉल्यूशन हैव लोअर फ्रीजिंग पॉइंट देन वाटर एंड द ट्रीटमेंट प्रिवेंट्स फ्रीजिंग द फ्रेश स्नो इज स्टॉक पाइल। तो इसलिए जो हमारा एब्रेसिव है वो होना चाहिए रोड और टायर के बीच में, तो इसलिए हम बहुत हद तक स्नो अवलैंचेस से बच सकते हैं और हमारे ट्रैफिक को बचा सकते हैं, सेफ मूवमेंट कर सकते हैं बाय डिनोटिंग एक्सप्लोजिव्स। तो एक्सप्लोजिव्स डिनोट करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्नो अवलैंचेस को कंट्रोल किया जा सकता है। कैसे, बाय डिनोटिंग एक्सप्लोजिव्स एट द टेंशन जोन ऑफ द अवलैंचेस स्लैब which brings down the snow in the piece. This method gives adequate warning and minimize the damage of the road structure. तो explosives की है से भी हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्नो अवलैंचेस है उसको रिमूव किया जा सकता है, स्नो क्लियरेंस की जा सकती है। ठीक है जी, तो ये एक वार्निंग होती है, जब अगर हम एक्सपोजर करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उससे क्या होगा, जो हमारा रोड सरफेस है उसमें डैमेज भी कम होंगे और हमारा जो स्नो क्लियरेंस है, स्नो रिमूवल है, वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे के सारे कारण रहते हैं हमारे स्नो अवलैंचेस को कंट्रोल करने के और मेथड्स के बारे में हमने जाना। ठीक है जी, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर रहेगा हाईवे इंजीनियरिंग में रोड ड्रेनेज के बारे में डिस्कस करेंगे। रोड ड्रेनेज हमारा नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।